लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड पर आ गए हैं और चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कवायद करने लगे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से वादों और दावों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ने मैदान में उतरी एक महिला उम्मीदवार ने जनता से वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीती तो राशन कार्ड में मुफ्त में शराब बटेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हर गांव में बियर बार खुलवाने का भी वादा कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो बेरोजगार युवाओं को दारू का ठेका भी दिलवाएंगी। तो चलिए जानते हैं कौन है ये नेत्री। मिली जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय मानवता पार्टी ने इस बार वनिता राउत को चंद्रपुर के चुनावी मैदान में उतारा है। वनिता राउत इन दिनों अपनी जीत तय करने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वनिता राउत ने क्षेत्र की जनता से वादा किया है कि अगर वो सांसद बनी तो राशन कार्ड पर विदेशी शराब दिलाएंगी और बेरोजगार युवाओं को शराब के ठेके भी आवंटित करेंगी। इतना ही नहीं, महिला प्रत्याशी का वादा है कि वो चुनाव जीतने के बाद हर एक गांव में शराब के ठेके भी खुलवाएंगी। वनिता राउत ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वो सांसद बनी तो सांसद निधि से राशन कार्ड पर जैसे राशन मिलता है वैसे ही विस्की और बियर भी गरीबों के लिए उपलब्ध कराएंगी, साथ ही बेरोजगार युवकों के लिए शराब के ठेके दिलवाएंगी। बता दें कि इससे पहले वनिता राउत 2019 में भी नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद 2019 में चंद्रपुर जिले के चिमूर विधानसभा से चुनाव में खड़ी हुई थी। तब भी वनिता ने यही वादे किए थे और इस बार फिर एक बार वो चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर गई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वनिता राउत ने ये वादा कर दिया है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो राशन कार्ड में अंग्रेजी दारू फ्री में दिलवाएंगी और हर गांव में एक बियर बार खुलवाएंगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।